हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कगान वैली, पाकिस्तान। हमारे एक फ्रेंड ने हमें लिंक भेजा था, तो उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। कगान वैली है ना, शोग्रान विंटर। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसी है कगान वैली। हाँ, देखें तो चलो मिलके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी और अब बारी है फिर से पाकिस्तान टूरिज्म, लेकिन जाना है आपको दिखाना है शोग्रान। पिशावर से सफर का आगाज किया मोटरवे पर, हजारा डायरेक्शन में आप खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। एबटाबाद मानसेरा से होकर इस वक्त हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं बालाकोट। मौसम भी बहुत सुहाना है। बालाकोट से थोड़ा आगे आए हैं, मौसम इस वक्त आप देखिए क्लाउड्स बिल्कुल ही, अभी हम क्लाउड्स से निकले हैं और आप देख भी सकते हैं एक बार फिर से क्लाउड्स हमें घेरे में लेंगे। तो ड्राइवर हजरात के लिए है कि जब विजिबिलिटी जीरो हो तो बहुत केयरफुली ड्राइव करें। यहाँ पर आना हो, बड़ी गाड़ी का होना तो बहुत लाजमी है, 4x4 जिसमें हो, ड्राइवर का भी स्किल्स होने चाहिए, टैलेंटेड ड्राइवर हो तो भी शायद इजी होगा, और अगर चेन हो साथ तो स्नो में आप टायर पे चेन चढ़ाएंगे फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी आप जिस तरह देख रहे हैं रोड नैरो है, दो तरफ से गाड़ी आती है तो थोड़ा मुश्किल पेश आता है। बहरहाल इंशाल्लाह आखिर तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे शुक्रिया। शोग्रान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मेहमान, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और कराची से। तो भाइयों से जानना चाहेंगे, जिस तरह समर वेकेशन होते हैं लोग ट्रेवल के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो इस बार हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस लाएं कि विंटर टूरिज्म को भी इंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह विंटर वेकेशन होते हैं तो आना चाहिए, बर्फबारी से लुत्फानंदोज होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या तासुरात है? हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना हसीन मंजर और खूबसूरती स्नोफॉल में हमें मिलेगी। हर तरफ पहाड़ों में, दरख्तों में बर्फ ही बर्फ है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी दोस्तों को साथ लेके आए।
अरे यार कुछ है ही नहीं, ब्रेक ब्रेक जाओ बस। इस वक्त हम मौजूद हैं फहद भाई के साथ जो कि पियोनियर समझे जाते हैं यहाँ पर शोग्रान में, होटल है, ओनर है लालाजार होटल के। फहद भाई एक कोशिश है विंटर टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है, माशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक 11 साल से आपने यह होटल बंद नहीं की। हाँ जी, यानी साल 12 महीने आप गर्म पानी, रूम सर्विसेज, हीटर सब फैसिलिटीज यहाँ पर है। तो फिर एक मैसेज आप दे दीजिए, इस ब्लॉग में एड कीजिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो, उनके जहन में यह है कि समर में सिर्फ फैसिलिटीज है, विंटर में नहीं है। जी नहीं जी, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली हमारे पास विंटर्स में सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है, गर्म पानी 24 घंटे होता है, हीटिंग रूम्स हैं हमारे पास खाने पीने की मैक्सिमम बेसिक नेसेसिटी सब होती है यहाँ हमारे पास। अच्छा फहद भाई, ज्यादा लोग हम जिधर जाते हैं गिला करते हैं, नेटवर्क का इशू होता है यहाँ का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में नेटवर्क भी सही है। जी मोबाइल 3G 4G सब चल रहे हैं, अवेलेबल है। हाँ जी अवेलेबल है। क्या ऐसे पॉइंट है जो कि आप मेंशन करना चाहेंगे गवर्नमेंट या पब्लिक को मैसेज देना चाहे जो कि इस इलाके में कमी हो वो पूरी हो? सबसे पहली मैं कहूँगा कि यहाँ जब आते हैं तो प्लीज़ सफाई का बहुत ख्याल किया करें। हमारे यहाँ सफाई का कोई वैसा बेहतर निज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट ने अभी KDA डिपार्टमेंट ने यहाँ बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है पिछले 2 साल से सफाई कर रहे हैं, बट फिर भी लोगों को ख्याल करना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी गार्बेज जो है वो खुद कलेक्ट किया करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी हमें गवर्नमेंट से कुछ ये चाहिए होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर मिलनी चाहिए, वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा रोड के ऊपर हेल्प आउट होना चाहिए कि बर्फ क्लियर हो। बाकी हम अपने ओन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग लोगों को खुश कर रहे हैं, बट थोड़ी सी हमें हेल्प की भी ज़रूरत है। बड़ा खूबसूरत नज़ारों में ड्राइव किया, फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल हसानिया कागान वैली में, और अब बारी है थोड़ा बोन फायर से लुत्फानंदोज होंगे, साथ साथ गर्म चाय भी होंगे। मौसम इस वक्त भी बहुत अच्छा मौसम है, हल्की बारिश हो रही है। अच्छा होटल के ओनर डायरेक्टर हमाद भाई से थोड़ा जानना चाहेंगे, महीना है दिसंबर का जी। और इसके बाद अगर टूरिस्ट आना चाहते हो कागान वैली, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, नारान तक पहुँच सकते हैं या नहीं, अपने होटल का लोकेशन भी बताइएगा, टूरिस्ट अगर आना चाहें उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ अपने होटल की,
कि हमारा होटल एक्चुअली किस पॉइंट पे लोकेटेड है। जो मेन जगह है इसको फारस कहते हैं, ये तकरीबन शोमरान से 7 किलोमीटर की ड्राइव पे है, और फिर आगे आप कागान वैली, मेन कागान वैली तक जाते हैं तो 21 किलोमीटर यहाँ से मेन कागान वैली तक की ड्राइव है। फिर यहाँ से अगर आप बाबूसर टॉप या नारान तक जाते हैं, नारान यहाँ से 51 किलोमीटर है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमारे होटल की फैसिलिटी। हमारे पास माशाल्लाह से पूरी कागान वैली के तकरीबन सबसे अच्छे जो रूम्स हैं वो हमारे पास है। एक तो स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, फैमिली इन्वायरमेंट है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक नहायत ही हमने एक स्टैंडर्ड को बरकरार रखा हुआ है। पीना किया, वापसी है पिशावर। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, याद रखें हमें दुआओं में। वसलाम। हाँ तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के वीडियो की। तो कौन सी वैली थी ये? कागान। तो थोड़ा प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको बता देना मतलब मैं सही हूँ या गलत हूँ। कागान वैली है, शोग्रान विंटर सर्दियों का है। तो अभी सर्दियाँ चल ही रही है, अभी तो बर्फबारी अभी भी हो ही रही होगी। तो अभी ये वीडियो शायद अभी की है, नहीं कब का है ये, जो भी है, पर अभी तो सर्दियाँ हैं, अभी फुल है, चल रही है अभी। यहाँ 2-3 दिन से थोड़ी गर्मी पड़ रही है, हल्की हल्की गर्मी नहीं बोल सकते, थोड़ी मतलब ठंड से थोड़ी सी कम ठंड हुई है ना, वो हुई है। और बाकी अब ये सब बताएंगे क्या अच्छा लगा है। तो आज पहले शुरुआत करते हैं चिंकी से। हाँ चिंकी, क्या चला? बादल अच्छे लगे थे और मामा वो बर्फ बर्फ थी, वो तो मैंने कभी देखी नहीं। अच्छा, बर्फ देखी नहीं? कभी नहीं देखी, फ्रिज में देख लेना। देखते ही ऊपर ऐसी जगह भी नहीं देखी। वो जब फ्रिज खराब हो जाता है वो जम जाती है पूरी, वो पत्थर जैसी बर्फ जम जाती है। वैसे मजा करो। हाँ, वो वाकई में जो पहाड़ थे मतलब माउंटेन्स थे, उनके ऊपर बर्फ़ होती है और ऊपर बादल, तो बादल ऐसे गुब्बारे टाइप बने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि आर्टिफिशियल ऑन किसी ने चिपका रखे हो, ऐसा लग रहा था। तो एकदम मतलब जो क्लाइमेट था बहुत क्लियर था। भाई होता क्या है कि बादल भी होते हैं और धुंध होती है, तो नीट क्लीन एकदम सब कुछ क्लियर दिख रहा था। अब और भाऊ को पूछ लेते हैं क्या अच्छा लगा। वो पीछे से पानी आ रहा था, वो वहाँ बैठे हुए थे, वो अच्छा लगा। किसके? अपने पीछे? हाँ, कहाँ बैठे हुए थे? पानी आ रहा था पीछे से। कहाँ से आ रहा था? पीछे से। हाँ, तो जो हाँ जो वो होटल्स थी, तो वो एक वो बना रखा था जलप्रपात, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बोलते हैं जलप्रपात, झरना, झरना बोलते हैं। वो झरना गिर रहा था, आर्टिफिशियल बना रखा था, और उसके ऊपर जो टेबल बिछा रखी थी, मतलब पानी में बैठ के आप आराम से चाय कॉफ़ी और ठंड का मजा लीजिए। वो एक अच्छी चीज़ थी, एक नई चीज़ थी। होता है लोग काफ़ी होटलों में ऐसे आर्टिफिशियल झरने बनाते हैं, पर उस पानी के बीच में बैठ के ही वो सब कुछ कर रहे थे, तो वो अच्छा था। और जितिन होटल, क्या नाम था होटल का ये बता दें। होटल अच्छी लगी, ठीक है। होटल का नाम क्या था? बहरिया, बहरना, बहरिनिया, ऐसा कुछ होटल का नाम था। तो होटल वाले थोड़ी अपनी शिकायत कर रहे थे गवर्नमेंट से कि कुछ रोड्स अच्छी प्रोवाइड करा दीजिए। हाँ, रोड्स होता है, जो बर्फ़ को हटाने की मशीनरी आती है वो शायद ऐसी जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर रोड्स अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी ना, तो जितना डेवलपमेंट होगा ना, न कि वहाँ के लोगों का, बल्कि जो अदर मुल्क से भी लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए, बहुत अच्छा देखने का, हमारे भी मन है हम भी आ जाएँ, ऐसा लग रहा है अभी। बस टिकट विकेट करा के अभी निकल जाए। पर रोड्स पे जो बर्फ़ की साफ़ सफाई है वो प्रॉपर तरीके से थी नहीं, वो शिकायत वो कर रहे थे, हम नहीं कर रहे, वो जो होटल मालिक थे वो कर रहे थे। और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बोल रहे थे, अभी ये बोल रहा था पाकिस्तान में 3-4 दिन पहले पूरा ही बंद हो गया था,
पूरा ग्रिड पूरा ग्रिड ही बंद हो गया था रात को, तो पूरा बताना ये सही है गलत है पूरा ग्रिड। हाँ मैंने भी सुना तो था, देखा नहीं है न्यूज़ व्यूज़ में, तो नहीं देखा मैं, कम देख नहीं पाता हूँ इसलिए पता नहीं मेरे को। तो पूरा पाकिस्तान में लाइट गई थी, यहाँ कहेगी बता देना। एक बार हमारे यहाँ पे भी हुआ था, 140 सिटी में गई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो मतलब पूरा पाकिस्तान में गई है ना। हाँ इंडिया में भी हुआ था एक बार 2012-13 में गई थी, हमारे जो नॉर्दर्न साइड का जो राजस्थान और दिल्ली के आसपास के जो स्टेट है वहाँ पे पूरा ग्रिड बंद हो गया था पूरा रात की 2-3 घंटे के लिए। और थोड़े दिन पहले मुंबई में हुआ था, तहलका मच गया था, 4-5 घंटे के लिए बंद हो गई। तो वो तो इशू है, अभी तो गवर्नमेंट इशू है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके इशू होते हैं, लापरवाह लोगों के कारण पूरी सब लोगों को झेलना पड़ता है। हर जगह होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए, जो मेहनती लोग होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वैसे लोग ही अपॉइंट होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और बाकी गायत्री को सब अच्छा रहे सब और क्या अच्छा लगा सब होटल ओके होटल जितिन को अच्छी लगी थी और बार नहीं वहाँ पे मतलब क्या अच्छा होना चाहिए, मतलब जो वो तो चलो एक नेचर थी, पर लोगों को वहाँ पे क्या ऐसा करना चाहिए कि वहाँ पे थोड़ा और डेवलपमेंट हो, वहाँ वो पूछ रहा हूँ मैं क्या करना चाहिए, नथिंग आइडिया। हाँ तो एक तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी की, एक रोड्स कनेक्टिविटी अच्छी होगी और वो जो फिर वो कनेक्टिविटी अच्छी होगी रोड्स बिल्कुल क्लियर होगी। वहाँ की कंडीशन क्या है ये अननोन है, हम पता नहीं है, इसलिए वो फिर गाड़ियाँ स्लिप होती है और फिर वो टायरों पे वो चेन बांध के भी गाड़ियाँ चलाई जाती है, टायरों पे चेन बांध देते हैं तो पकड़ हो जाती है, ग्रिप हो जाता है बर्फ़ पे, नॉर्मल जो टायर होता है वो फिसल जाती है गाड़ी। और ये एक्चुअल में है कहाँ लोकेशन, ये आप बता देना ताकि हम कभी आए वीज़ा लेके आए उधर से कोई बुला ले हमको, तो आप जैसे दोस्त को इन्विटेशन करके आना है वहाँ पे तो बता देना कि किस एरिया में पड़ता है, ताकि हम सीधा वहीं पे सीधा फ्लाइट लेके सीधा वहीं उतरे, इधर उधर आना नहीं पड़े। और वहाँ पे एयरपोर्ट कितना दूर है वहाँ से, इसे भी बता देना, ऐसे ही मैंने बोला है पर आप थोड़ी मुझे इन्फॉर्मेशन देना सही। ओके तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।